पहला टोल गेट 500 मीटर। बाइक चलाते चलाते मतलब हालत भाई साहब खराब हम हो लोग तो चुका है थक गए पूरी तरीके से। अररिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, ये पुलिस की पेट्रोलिंग है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू दी चैनल। सो ये हमारे ट्रिप का पहला एपिसोड है एंड गाइज अभी मैं हूँ अपने नज़दीकी शहर में, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बस से आया था, लेकिन 3 किलोमीटर बस पे चढ़ने के बाद एक्चुअली मेरा जो हेलमेट है मोटो ब्लॉगिंग के लिए वही छूट गया। क्या है कि यार विदाउट हेलमेट का तो जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं बस छोड़ दिया और फाइनली अभी रुके हैं, देखते हैं घर से 3 किलोमीटर। एंड यार जब हेलमेट ही मेरा छूट गया, उसमें मोटो ब्लॉग का पूरा सेटअप था, तो अचानक दौड़ के मैं बस पकड़ा और फिर भी यार एक सामान रह गया, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, हेलमेट छूट गया। अभी देखते हैं, घर से मंगवाए हैं और दूसरा बस का इंतजार करते हैं, देखते हैं कब आता है। हमारे ट्रिप के पहले दिन का अभी तक का अपडेट यही है गाइस, ये आगे देखिए और क्या होता है। अभी हम बस में बैठ चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर की। अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर बस स्टैंड, हमारा बैग है इधर, ये हेलमेट है, तो इसी हेलमेट की वजह से मुझे लेट हो गया। अभी हम वेट कर रहे हैं दिलीप यूट्यूबर का, जो कि दिलीप यूट्यूबर आ रहे हैं यूपी देवरिया से, तो यहां से हम लोग जाएंगे दरभंगा। ये है कुछ एरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर का नज़ारा। दिलीप भाई आ चुके हैं। हाय, दिल्ली भाई पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर बस स्टैंड और हम लोग जा रहे हैं दरभंगा का बस पकड़ेंगे और फिर वहां से बाइक से आगे प्लान जहां है वहां अभी यहां से दरभंगा जाना है हम दोनों आदमी को। आगे क्या क्या होता है, अब भाई हमारे साथ रहने वाले हैं 10 दिन तक। ये है मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड, इधर है दिल्ली भाई जो कि आए हैं अभी देवरिया से, इतना दूर से आए हैं समझ सकते हैं, वो भी ट्रेन से। कितना 3 बजे निकले हैं? हाँ, 3 बजे रात को निकले हैं। 3 बजे निकले हैं और हम 5 बजे से ही दौड़ रहे हैं। मेरा हेलमेट छूट गया था, पाए भागते भागते आए बस पकड़े, फिर दूसरा बस पकड़े और फिर जाके अभी आए हैं, हमसे मिले हैं, तो आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है। बैरिया बस स्टैंड दरभंगा की ओर चलते हैं और ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी दरभंगा का बस पकड़ा जा रहा है यहाँ से और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए जा, आइए आइए। दरभंगा की बस में यहीं पे बैठते हैं क्या भाई? आगे चले? नहीं, यहीं पे ठीक है, यहीं पे ठीक है ना। चलो आगे रहेंगे तो सही रहेगा, पीछे ज्यादा हटकी लगता है यार। तो अभी हम सीट ग्रहण कर चुके हैं और छोटे बस में यही प्रॉब्लम देख सकते हैं, कितना ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत कंजेस्टेड है। बस हम बस की जर्नी लगभग 50 किलोमीटर और है, 40-50, फिर बाइक की जर्नी होगी। बाइक से तो वो तो एकदम बाइक से तो आराम से जाम और फिर घूमते रहेंगे। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दरभंगा में, अभी हम लोग रास्ते में ही हाईवे पे रुक गए क्योंकि जो दो लोग आने वाले थे वो लोग यहीं पे बोले उतरने के लिए, क्योंकि वो लोग हमें यहीं मिलेंगे। दिल्ली भाई जब कि काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, उसमें सो गए थे, इनको मोशन सिकनेस भी हो रहा है भाई, रात में जगे हुए हैं। हाँ, दरभंगा एयरपोर्ट यहाँ से नजदीक में ही है। तो many minutes later फाइनली देखिए आ चुके हैं जिनका हम लोग वेट कर रहे थे, गोपाल जी है, इधर रहे विद्या मस्ती ब्लॉग, और बताइए ठीक है ना। आपके हम लोग यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, और इधर एक बाइक है, चलिए देखते हैं आगे आगे देखेंगे। गाइस अभी हम दरभंगा के बीच में रास्ते पे अभी हम लाइन होटल के पास रुके हैं, यहाँ पे एक ढाबा है, इसमें अभी हम लंच किए हैं क्योंकि मॉर्निंग से मैं कुछ नहीं खाया था, ट्राई कर रहे हैं थोड़ा मोटो ब्लॉग करने का, तो यहाँ से अभी मोटो ब्लॉग देखते हैं कहाँ तक होता है। ढाबा का नाम है तंदूरी हवा होटल, ये देख सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई फ्लाइट जा रही है, देखो ये। चलिए मोटो ब्लॉग के दौरान बाइक पे मिलता हूँ डायरेक्ट। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, अभी देखते हैं गाइस कैसा सीन्स आ रहा है इसमें। और ये रही हमारी बाइक जो कि पूरे ट्रिप में हमारे साथ रहेगी, और चलते हैं, जय बजरंगबली। सो गाइस चलते हैं, हमारी जर्नी गाइस शुरू है।
ये हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉग जर्नी है लॉन्ग रूट का। पूर्णिया का यहाँ से 209 किलोमीटर शो कर रहा है, सिलीगुड़ी यहाँ से शो कर रहा है 300 यानी कि 350। पहला टोल गेट 500 मीटर। अरे यार ये तो जाम ही कर दिया पूरा। ये रहा फर्स्ट टोल गेट। अररिया 155 किलोमीटर यहाँ से शो कर रहा है। अभी 155 जाना है यार, बहुत दूर है। देखते हैं और लगता है इवनिंग हो जाएगा यार जाते जाते अररिया। तो बने रहिए गाइस। तो अभी का गाइस ट्रैवल अपडेट ये है कि यहाँ अररिया है, अप्रॉक्स 120 किलोमीटर बचा हुआ है। पूरा बॉडी पेन हो रहा है, अररिया में जाके रुका जाएगा। रोड सही है क्योंकि ये NH57 है जो 4 लेन है। बाकी यार जो ठंड के टाइम में बाइक राइडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मधुबनी जिला, हमें जाना है अररिया। मधुबनी के जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब। फिलहाल अररिया यहाँ 110 के आसपास बचा हुआ है। यहाँ पर हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। सकल सूरज पूरा एकदम खराब हो चुका है, ऊपर से नीचे तक पूरा धूल मिट्टी लग चुका है। बाइक का ट्रिप में ऐसा होता ही है। Many minutes later. जैसा कि आप सबको शकल देखकर लग रहा है कि हम लोग अभी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बाइक चलाते चलाते हालत खराब हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ से 50 किलोमीटर समथिंग बचा हुआ है अररिया। हमारे टीम के मेंबर लोग हैं फ्रॉम यूपी बिहार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। आपने सुने होंगे यूपी वाला झुमका लगाऊं कि हीरो नाच के दिखाऊं। वाह वाह क्या बात है। फाइनली अभी हम लोग अररिया टोल प्लाजा के पास पहुंच चुके हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। यहां से दार्जिलिंग बचा हुआ है डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर। अररिया पहुंचते हैं, वहां पे हम लोग का स्टे है, रात को यहीं पे रुकना है, नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे। तो ये है अररिया टोल प्लाजा एंड उसके बाद देखिए क्या होता है आगे गाइस। तो नाइट टाइम में फर्स्ट टाइम वैसे तो मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, पुलिस की पेट्रोलिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अररिया में हम होटल बुक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक होटल लिया है, यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी है दोनों बाइक। 8 बज रहा है तो यार बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। फिर खोजने के बाद हम लोग रूम मिला है। सो ये है हम लोग का रूम, 4 बेड का रूम लिया गया है। रूम में आने के बाद इसे कहते हैं सुकून, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी हम बाइक पे बैठे हुए हैं। अभी पूरा फ्रेश होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
पे चिकन ऑर्डर किया है खाने में और रोटी है सलाद है। काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे खाने का, फाइनली जाके खाना हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे डिनर किए हैं, अररिया मार्केट कुछ इस तरीके का दिखता है, नाइट वॉक कर रहे हैं अररिया शहर में। सो गाइस ब्लॉग को यहीं पिन करते हैं, वैसे हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है, बहुत सारे वीडियोस आएंगे और अगले एपिसोड में मिलेंगे कल मॉर्निंग में। इस ब्लॉग में आपने देखा हमारे घर से लेके यहाँ तक की जर्नी अररिया तक की, और इसके बाद की जो जर्नी होगी वो देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, प्लीज लाइक शेयर एंड अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्कार।